रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. लास्ट टाइम हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी किया था. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देखा था कि जो रेट इक्वेशन होती है उससे किस तरीके से डिराइव किया जाता है, और इसके अलावा हम लोगों ने मुख्तलिफ ऑर्डर्स के जो रिएक्शन हैं इंक्लूडिंग ज़ीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस्ड नेगेटिव ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस विद एग्जांपल्स एंड हाउ डू दे बिहेव. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इफ देर इज अ रिएक्शन, ए इज अ रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए डायरेक्टली बी में चेंज हो. नॉर्मली रिएक्शंस में ऐसे होता है कि ए चेंजेस इनटू समथिंग एल्स ए प्राइम एंड देन ए प्राइम चेंजेस इनटू बी एंड दिस थिंग विच फॉर्म्स थोड़े से टाइम के लिए दरमियान में फॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट रिएक्शन. इंटरमीडिएट जो कि आप बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करोगे इस किस्म के रिएक्शंस पार्ट टू के अंदर. ये जो इंटरमीडिएट है ये टेम्परेरली फॉर्म होता है, ठीक है, और ये थोड़ा अनस्टेबल होता है. नॉर्मली इसके बॉन्ड्स जो हैं उनको आप स्टेबलाइज कर सकते हो और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, बट नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली फिर बी के अंदर चेंज हो जाता है और आपको ओवरऑल ऐसे दिखाई देता है कि डायरेक्ट ए बी में चेंज हो गया. इन अदर वर्ड्स इफ आई लुक एट दिस रिएक्शन मोर क्लोजली नाउ दिस इज नॉट माय रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन विच इज हैपनिंग इन रियल लाइफ. और ये जो रिएक्शन है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज चेंजिंग इनटू ए प्राइम एंड देन ए प्राइम इज चेंजिंग इनटू बी. और नॉर्मली ये होता है कि इनमें से कोई एक जो है वो हमेशा दूसरे से तेज होता है. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 9 सेकंड्स एंड द अदर वन टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड. सो ओवरऑल देयर इज 10 सेकंड्स जो कि लग रहे हैं पूरे रिएक्शन में. अगर आपको ऊपर वाले का सिर्फ रेट पता चल जाए या ऊपर वाले का आपको टाइम पता चल जाए तो नीचे वाले के पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ही ऑलमोस्ट सारा का सारा टाइम ले रहा है. ये जो ऊपर वाला स्टेप है दिस इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. एंड आपको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के बारे में कैसे पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन सारी रेट इक्वेशन के अंदर छुपी हुई होती है, ठीक है. अभी रिसेंटली मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया था जिसके अंदर FeCl3 फेरिक क्लोराइड था और इट वाज रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड चेंजिंग इनटू आयोडीन साथ में फेरस आयोडाइड एंड साथ में पोटेशियम क्लोराइड. इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से थी कि दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे, दो मोल्स इसके, सिक्स मोल्स इसके, और KCl जो है इसके अगेन सिक्स मोल्स, FeI2 फेरस आयोडाइड इसके दो मोल्स एंड आयोडीन का सिंपली एक मोल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था. अब इसका जो रेट इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि फेरिक क्लोराइड रेज टू द पावर 1 एंड पोटेशियम आयोडाइड रेज टू द पावर 2. इस बात का मतलब ये है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बनेगा इस रिएक्शन का उसके अंदर देर इज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक क्लोराइड इंस्टेड ऑफ टू एंड देर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इंस्टेड ऑफ सिक्स, ठीक है. इट्स कंपैरेटिवली अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल केस एंड ट्राई टू सी कि उसमें किस किस्म से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हम पता चला सकते हैं. नाउ देयर इज एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव यू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये बेसिकली ऑक्सीडेशन का सिंपली रिएक्शन है. इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज रिड्यूसिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन टू NO एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ एज कार्बन डाइऑक्साइड. So let's put these arrows away. This is your reaction. Practically, इसका rate जो equation पता चलाएगी तो वो ये निकली that rate is equal to k times the concentration of NO2 raised to power 2. Now it's a second order reaction and it means that it is strongly dependent, the rate
of this reaction is strongly dependent on the concentration of NO2. However, it does not depend on the concentration of CO. यहाँ पे आप कह सकते हो कि CO लिखा हुआ है लेकिन उसकी पावर जीरो लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर जीरो इज वन, सो यू कैन सिंपली एलिमिनेट CO फ्रॉम हियर. सो द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ CO. इट डज नॉट डिपेंड ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड, रादर इट डिपेंड्स ऑन NO2 वेरी हैविली. अब इसको चेक करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है यूं, साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो एक्चुअली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, होना जो चाहिए, उसमें दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए NO2 के, ठीक है, और उसमें CO होना ही नहीं चाहिए. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर NO2 के दो मॉलिक्यूल्स आपस ही में रिएक्ट करें तो होता यह है कि एक सिंपली NO बन जाता है और एक NO3 बन जाता है, यानी एक बेसिकली दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है. नाउ दिस NO3 इज योर इंटरमीडिएट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया था. दिस NO3 विल डू व्हाट, दिस विल रिएक्ट विद CO टू गिव NO2 एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज अ वेरी फास्ट वन एंड दिस इज अ वेरी स्लो वन. दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट. यू कैन जस्ट से कि जो ऊपर वाला है इट विल टेक प्लेस इन 338 seconds एंड द लोअर वन विल टेक प्लेस इन 2 seconds. सो ओवरऑल द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन 340 seconds. यू डू नॉट एक्चुअली नीड द लोअर वन, आपको सिर्फ ऊपर वाले रिएक्शन से गर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये रेट को कंट्रोल कर रहा है. और इस ऊपर वाले के अंदर देर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 इन्वॉल्व, यानी ओवरऑल जो रिएक्शन बन रहा है वो तो इन दोनों को ऐड करके बनेगा ना. अब NO3 लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, NO3 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. NO2 भी अगेन लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, तो एक NO2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बच जाएगा. NO2 प्लस CO, NO प्लस CO2, यानी ये जो स्टार्ट में आपको रिएक्शन गिवन था, ये जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन. आई यूज ब्लू नाउ. This is your balanced chemical equation. And interestingly, balanced chemical equation से आपको कोई खास information नहीं मिल रही होती, बल्कि जो आपका rate equation है उससे आपको बहुत खास information मिल रही होती है. Rate equation से आपको यह पता चल जाता है कि real life में how will reaction proceed, यानी रिएक्शन के क्या तो कोई स्टेप्स होंगे, अगर तो होंगे तो वो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है आप उससे ये पता चला सकते हो कि सबसे स्लो वाले स्टेप में रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अनदर वन जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं में से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं. आपने ये देखा था कि अगर दो मॉलिक्यूल्स NO2 के ओजोन के साथ रिएक्ट करें तो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस. इसकी जो रेट इक्वेशन थी वो ये कह रही थी कि NO2 के ऊपर पावर 1 के हिसाब से डिपेंड कर रही है और ओजोन के ऊपर भी पावर 1 के हिसाब से डिपेंड कर रही है. हालांकि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो आपको कुछ और बता रही है, वो आपको ये कह रही है कि NO2 के दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, विच मींस कि इन रियल लाइफ जो स्लो स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल NO2 का और एक मॉलिक्यूल ओजोन का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि एक NO2 का मॉलिक्यूल और एक ओजोन का मॉलिक्यूल है, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू मेक एन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट क्या होगा, यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट. एंड फिर वो जो इंटरमीडिएट है वो एक और NO2 के साथ रिएक्ट करके आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट्स दे देगा N2O5 प्लस O2. यानी ओवरऑल आपको जो रिएक्शन नजर आएगा वो कुछ इस किस्म का नजर आएगा, इंटरमीडिएट लेफ्ट से और राइट से कट जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स NO2 के ओजोन के साथ रिएक्ट करके N2O5 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. अब आपको ये नीचे वाला रिएक्शन नजर आ रहा है, बट रियल लाइफ में ये दो रिएक्शंस हैं जो अलग अलग में हो रहे हैं, और इनमें जो पहला वाला है दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, और इसके हिसाब से जो रेट इक्वेशन बनती है वो यहां पे लिखी हुई है, ठीक है. इस वजह से यहां पे पावर 1 और
वन है। ये वजह है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टली आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के जो रेट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हो, इट इज़ यूजली रॉन्ग, क्योंकि आप सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि रियल लाइफ में वो रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है और वो किस किस तरीके से हो रहा है। अगर आपको सिंपली रेट इक्वेशन दे दी जाए तो आप उससे ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। दिस इज इट अगेन फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो होता क्या है, और जो इंटरमीडिएट होता है उसका क्या रोल होता है। फिर हमने ये देखा है आज कि रेट इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो आप उसे किस तरीके से पता चला सकते हो कि रिएक्शन कितने स्टेप्स के अंदर हो रहा है, और जो स्लो स्टेप है उस वाले स्टेप के अंदर रिएक्टेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, तो वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपको बेसिकली रेट इक्वेशन के अंदर गिवन होते हैं। आप उनसे बेसिकली एक स्टेप लिख सकते हो और बाकी स्टेप्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइनली बता सकते हो कि रिएक्शन ओवरऑल कितने स्टेप्स में हो रहे हैं और स्लो स्टेप उसमें से कौन सा है। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है या जो रेट इक्वेशन है, बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है, हम इनको किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हम केमिकली डिटरमिन कर सकते हैं एंड फिजिकली डिटरमिन कर सकते हैं। हम इनके मेथड्स जो हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे।